नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या आपने कभी धड़कन फिल्म देखी है जिसमें फिल्म के अभिनेता फिल्म की अभिनेत्री से ये कहते हैं, और ये बड़ा फेमस डायलॉग भी है, कि तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, तुम किसी और की हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, इस तरह का एक डायलॉग है। अब सवाल यह है कि सियासी खबरों के बीच, बिहार में सियासी आपाधापी के बीच, सियासी गहमा गहमी के बीच मैं धड़कन फिल्म को बीच में कहां से ले आया, और धड़कन फिल्म का ये डायलॉग मैं क्यों अपने दर्शकों को चिपकाने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल मामला ऐसा है कि राजनीति में बहुत कुछ क्रिकेट की तरह होता है, और राजनीति को क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, और राजनीति में बहुत कुछ फिल्मों की तरह भी होता है। तो फिल्म के नायक ने उस फिल्म में, धड़कन फिल्म में, उस फिल्म की अभिनेत्री से कहा था कि तुम किसी और की हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बिहार की सियासत में भी यही कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार महागठबंधन के हो जाएं, आरजेडी के हो जाएं, ये बीजेपी को मंजूर नहीं है। बीजेपी ये कहती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है मानो कह रही हो कि आप किसी और के हो जाएं, हम होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जब भी बीजेपी का साथ छोड़ते हैं और महागठबंधन का रुख करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी लालू परिवार पर हमलावर हो जाती है, आरजेडी के नेताओं पर हमलावर हो जाती है, और नीतीश कुमार को असहज करने की कोशिश करती है या असहज करती है कि देखिए आपने जिनके साथ हाथ मिलाया है वो किस तरह के लोग हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सही है गलत है, इस पर बहस हो सकती है। ना तो हम किसी को सही कह सकते हैं, ना तो हम किसी को गलत कह सकते हैं, और सही गलत पर अलग से बहस कर सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में वो सब कुछ फिर होता हुआ दिख रहा है जो पहले हुआ है। 2013 में जब नीतीश कुमार अलग हुए बीजेपी से, 2015 में बिहार में लालू नीतीश ने मिलकर सरकार बनाई, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, सरकार बने हुए कुछ दिन भी नहीं बीते थे कि सुशील मोदी ने मोर्चा संभाला, और सुशील मोदी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे करने शुरू किए लालू यादव को लेकर, लालू परिवार को लेकर, और जाहिर तौर पर यह नीतीश कुमार को असहज करने की कोशिश थी कि देखिए आपने भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिलाया है। वही अस्त्र और शस्त्र एक बार फिर सुशील मोदी आजमा रहे हैं, क्या इस बार भी वो काम कर जाएगा, इस बार भी वो हथियार काम करेगा, इस बार भी वो प्लान काम करेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सुशील मोदी को बीजेपी ने शायद यही टास्क सौंपा है, और सुशील मोदी ने एक तरह से मोर्चा संभाल लिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने और आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र यादव पर हमला बोला है, उन पर लगे आरोपों के बारे में बताया है, उन पर चल रहे मामलों के बारे में बताया है। सुरेंद्र यादव की पूरी कुंडली सुशील मोदी ने बताई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील मोदी ने क्या कहा है वो आप देख चुके हैं, हमारे चैनल पर भी, अलग अलग चैनलों पर भी जिस तरह से सुरेंद्र यादव को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं, और ये पूरा वीडियो इसलिए है कि आज जिस तेवर में सुशील मोदी नजर आ रहे थे उससे लगता यही है कि रोज अब सुशील मोदी का खुलासा बम फूटने वाला है। ठीक है, नीतीश कुमार पर सधे शब्दों में हमला करते हैं, ललन सिंह पर भी, ललन सिंह भी सुशील मोदी की फायरिंग रेंज में होते हैं, लेकिन खुलासा बम जेडीयू के किसी नेता के खिलाफ नहीं फूटता है, खुलासा बम फूटता है आरजेडी के नेता के खिलाफ, आरजेडी कोटे के मंत्रियों के खिलाफ और लालू परिवार के खिलाफ। तो आज सुशील मोदी के खुलासा बम के शिकार बने हैं सुरेंद्र यादव, जो आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री हैं, और इन दिनों काफी चर्चित भी हुए जब एक बार एक मीटिंग के दौरान उनकी जुबान फिसल गई। तो सुशील मोदी ने अब मोर्चा संभाल लिया है, और आज जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे साफ हो गया है कि सुशील मोदी का खुलासा बम रोज फूटने वाला है। अब नीतीश कुमार की टेंशन कितनी बढ़ती है, कितने असहज होते हैं नीतीश कुमार, और सुशील मोदी का खुलासा बम किन किन लोगों को लेकर फूटता है, कौन कौन लोग सुशील मोदी के निशाने पर होते हैं, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और उससे महागठबंधन खेमे में किस तरह से खलबली मचती है यह भी देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी जब पुराने दोस्त रहे हैं, और दोनों जब दोस्त से दुश्मन बनते हैं तो खतरनाक बन जाते हैं।
सुशील मोदी, जब सुशील मोदी की दोस्ती जब नीतीश कुमार से टूटती है तो सुशील मोदी खतरनाक हो जाते हैं और नीतीश कुमार की टेंशन रोज बढ़ाने लगते हैं। यही काम फिलहाल सुशील मोदी कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।